नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। इटली से आए युवक की मायागंज अस्पताल में हुई जांच। सिल्क टीवी की खबर का फिर हुआ असर। मृत स्वरों की मौत मामले में निगम प्रशासन ने लिया संज्ञान। संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाया अभियान। अपराध की घटना को अंजाम देने पहुंचे चार अपराधी गिरफ्तार। हथियार हुआ बरामद। ग्रामीणों में आक्रोश। जांच में जुटी पुलिस। महिलाओं में होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर आईएमए हॉल में हुआ सेमिनार। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दिए सुझाव। और पिछले दिनों जगदीशपुर के भड़ोकर गांव में हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। आपसी भाईचारा बनाए रखने की कही बात। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में अब तक आधा दर्जन से अधिक कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच हो चुकी है, लेकिन एक में भी कोरोना होने की पुष्टि नहीं हुई है। रविवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में इटली से आए युवक की जांच की गई। दरअसल खिरीबांद इलाके का रहने वाला युवक इटली से 27 फरवरी को ही भारत पहुंचा था, लेकिन उसने कोरोना की जांच नहीं कराई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से युवक को जांच कराने के लिए कहा गया। वहीं कोरोना से संदिग्ध युवक के पिता मोहम्मद शाहीन अनीस ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया के तहत सभी प्रकार की जांच करा ली गई है। इधर कोरोना वायरस को लेकर मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने कहा कि कोरोना से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अधीक्षक ने कहा कि सामान्य लोगों को मास्क लगाने से ज्यादा स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा लड़का इटली में था। हाँ। इटली से जब ऐसा हुआ तो 27 फरवरी को इंडिया आ गया जी। और फिर यहाँ आज हम लोग आए, यहाँ जांच करवाए तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। अभी तक 8 केसेस आया है संदिग्ध केस, तो उसमें 7 का तो पहले ही जांच हो चुका है और अधिकतर का निगेटिव आ गया है। कल 3 का गया, उसका रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन सवेरे उसके बारे में सूचना ही है पटना से कि वो तीनों केस के क्राइटेरिया में नहीं आता है। फिर भी हम लोग भेज दिए, मना कर दिया गया है जो केस क्राइटेरिया में नहीं आवे उसका सैम्पलिंग नहीं करना है। अभी एक जगदीशपुर से पेशेंट लाया गया था संभावित केस, वो इटली से आया है, लेकिन वो 27 जनवरी को ही इंडिया आया है। तो 27 के हिसाब से आज 18 दिन हो गया है, क्वारंटाइन मात्र 14 दिन का होता है कि 14 दिन में अगर उसके पास वायरस का इन्फेक्शन है तो सिम्टम आ जाएगा, क्लिनिकली देखने में लगेगा कि कोरोना वायरस का क्या लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 18 दिन हो गया है, इसमें मैंने इसको कोई चीज करने की दवा की जरूरत है न जांच की जरूरत है। भागलपुर में पिछले एक सप्ताह से लगातार सुअरों की मौत का सिलसिला जारी है। वहीं अज्ञात बीमारी से हो रही मौत की खबर को सिल्क टीवी ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन की नींद टूटी और रविवार को वार्ड संख्या 26 में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया। इधर बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम की मेयर सीमा शाह भी काफी संवेदनशील है। मेयर को सुर्खीकल इलाके में फैली गंदगी और सुअर के शवों की सूचना मिलने के बाद मेयर ने फौरन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी को साफ सफाई का निर्देश दिया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने इलाके में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया और सफाई अभियान चलाया। वहीं निगम प्रशासन द्वारा कराए गए कार्यों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 में पिछले एक सप्ताह में 100 से अधिक सुअर की मौत हो चुकी है। सुअरों की मौत की खबर सिल्क टीवी ने पिछले 3 दिनों से प्राथमिकता के साथ दिखाई, जिसके बाद आज नगर निगम हरकत में आया है और नगर निगम की जो टीम है वह वार्ड नंबर 26 में पहुँच चुकी है और चूना ब्लीचिंग का यहाँ छिड़काव किया जा रहा है। हम अपने कैमरा मैन से चाहेंगे कि वह आपको तस्वीर दिखाए कि जो यह इस इलाके में जिस तरीके से जो संक्रमण फैला था उसकी रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए यहाँ नगर निगम के द्वारा चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया जा रहा है। जो पार्षद थे उन्होंने कहा था कि नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज 3 दिनों के बाद नगर निगम प्रशासन निगम महकमा जो है तो वो हरकत में आया है और इस इलाके में जो सुर्खीकल का इलाका है जहाँ संक्रमण फैला है, महामारी से मौत हो रही है, अज्ञात बीमारी से 100 से अधिक सुअर की मौत हो चुकी है, उस इलाके में आज नगर निगम के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की आप देख सकते हैं कि पूरी टीम है यहाँ पर और पूरी टीम स्वास्थ्य प्रभारी जो है नगर निगम के उनके साथ पहुँची है और पूरे इलाके में सफाई की व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ स्वास्थ्य प्रभारी भी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर क्या व्यवस्था आप लेकर के आए हैं यहाँ।
यहाँ पे पहले सफाई हम लोग लगातार कर रहे थे, उसके बाद अब चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करा रहे हैं, उसके बाद शाम में फॉगिंग कराएंगे। ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा ताकि जहाँ भी महामारी का संभावना है वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी का यह कहना है कि जो यहाँ पर अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। पार्षद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, पार्षद पति हैं संजय जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर क्या लगता है आपको, आप क्या कमी लग रही है आपको यहाँ पर? कमी तो अभी तक तो ठीक ठाक है, अब देखिए आगे फिर क्या होता है, ज़्यादा परेशानी होगा तो फिर हम आवेदन होगा तो जाकर के नगर आपसे मिलेंगे। मृत सुअर जो अभी भी कुछ आप बता रहे हैं कि पड़े हुए हैं, तो उसका क्या हुआ? उसका बोला कल जो है उसका समाधान हो जाएगा, उसको हटा जाएगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम महकमा जो है तो वो पूरी तरह कमर कस चुका है। हालांकि जब इस इलाके में संक्रमण फैला तो इसकी खबर जैसे ही जिलाधिकारी प्रणव कुमार को मिली तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई संज्ञान लेते हुए, मामले को संज्ञान में लेते हुए पशुपालन विभाग को जो जाँच पशुपालन विभाग को सुअर की जाँच के लिए पोस्टमार्टम करने के लिए निर्देश दिया, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर भी उसकी जाँच हुई और पटना से भी रविवार को टीम आई थी। और अब जो यहाँ पर का जो इलाका है वो काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है और नगर निगम का यह दावा है कि इस इलाके में किसी भी हाल में संक्रमण को रोका जाएगा, फैलने नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि नगर निगम महकमा जो है तो अपने दावे पर, अपनी बात पर कितना खरा उतरता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। मधुसूदनपुर पुलिस ने रविवार को लड़ाई करने आए चार युवक को हथियार के साथ महम्मदपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि नूरदीनपुर निवासी राजकुमार मंडल ने महम्मदपुर गांव के एक लड़के को बेरहमी से पीट दिया था, जिसको लेकर ग्रामीण काफी उग्र हो गए और राजकुमार मंडल को ढूंढने लगे। ग्रामीणों का आक्रोशित देख राजकुमार ने अपनी मदद के लिए फोन कर कुछ लोगों को बुलाया। राजकुमार मंडल के बुलाने पर चार लोग हथियार के साथ महम्मदपुर गांव पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और चारों अपराधी को दबोच लिया। मामले को लेकर नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों युवक भीपुर थाना क्षेत्र के हैं, जिनके पास से एक कट्टा एवं 5 गोली बरामद की गई है। साथ ही घटनास्थल से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, सोमवार को सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। भागलपुर के आईएमए हॉल में रविवार को फेडरेशन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से मिड एनुअल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फॉक्सी पूर्वी जोन की उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिता सिंह, डॉक्टर आशीष मुखोपाध्याय, गुड़गांव मेदांता के डॉक्टर अशोक रत्नम, फॉक्सी भागलपुर की अध्यक्ष डॉक्टर अंजू तुरियार, दुर्गापुर के डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्ती एवं डॉक्टर बीडी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद वैज्ञानिक सत्र में हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें भागलपुर समेत विभिन्न जगहों से आए विशेषज्ञ, गायनकोलॉजिस्ट एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने महिलाओं एवं बच्चों में होने वाली बीमारी एवं उनके बचाव के बारे में जानकारी दी। चिकित्सकों ने कहा कि महिलाओं में होने वाली बीमारी अक्सर जागरूकता के अभाव में होती है। डॉक्टर अनिता सिंह ने बताया कि गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए ऐसे वक्त में सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। सचिव डॉक्टर प्रभाती ने कहा कि महिलाओं में होने वाली बीमारी के इलाज, दवा एवं जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन डॉक्टर रोमा यादव ने किया। इस दौरान अतिथियों का फॉक्सी की अध्यक्ष डॉक्टर अंजू तुरियार समेत कई चिकित्सकों ने अंगवस्त्र एवं बुके देकर स्वागत किया। मौके पर जिले के कई महिला चिकित्सक मौजूद थी। प्रेगनेंसी वाले पेशेंट के लिए वो सभी चीजें लागू होगी जो सामान्य पॉपुलेशन के लागू, उसके ऊपर से ये मुश्किल है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो शक्ति होती है, क्षमता होती है किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने की, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसलिए इस तरह का जब भी एपिडेमिक होता है तो गर्भवती महिलाएँ ज़्यादा सफर करती हैं, उनमें जड़ी बीमारी ज़्यादा जटिल रूप धारण करने का खतरा बढ़ता है और हर तरह का कॉम्प्लिकेशन उनमें ज़्यादा होता है। इसलिए उन लोगों को और भी स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए इससे बचने के लिए। यंग होती होगी वो ज़्यादा इसके लिए भी होती है, उनको हो सकता है होगा तो सीरियस रूप ले सकता है। अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया है, इसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अनिता सिंह मैडम आई हैं पटना से, जो इस जोन कॉन्फ्रेंस की ऑफसाइट की वाइस प्रेसिडेंट मैडम हैं। उन्होंने अपने नाम से बहुत सारा रिसर्च पेपर भी किया है, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया है मैडम ने और बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं। अभी वो फॉक्साई की वाइस प्रेसिडेंट सीट होल्ड कर रही है।
फॉक्साई के 4-5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हीं में से अनिता सिंह मैडम एक है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम लोग वुमेन्स हेल्थ के प्रति कितने जागरूक हैं और किस तरह से उनको जो नई नई तरह की बीमारी हो रही है या जो भी बीमारी का किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए क्या नया ड्रग्स आए हैं जो बहुत अच्छे से उनको दिया जा सकता है और उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। होली के पूर्व संध्या पर जगदीशपुर के भड़ोखर गांव में हुए बवाल को लेकर रविवार को भड़ोखर गांव में शांति बहाल करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जगदीशपुर एवं गोराडी थाना अध्यक्ष के अलावा काफी संख्या में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरिहर प्रसाद तिवारी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इलाके में काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। वहीं विधि व्यवस्था डीएसपी निसार अहमद ने कहा कि ग्रामीणों के बीच सद्भाव बना रहे, जिसको लेकर शांति समिति के सदस्य एवं ग्रामीणों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बहाल की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने भी समस्या को प्रशासन के सामने रखा और उसके समाधान की बात कही। मौके पर गोरा डीवीडीओ प्रभात केसरी, पंचायत प्रतिनिधि एवं काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई-लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोबल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश से लेकर विदेश तक में प्रयास जारी है। वहीं भारत में कोरोना के सत्यापित मामले की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। बिहार सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। भागलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच के लिए सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जबकि मायागंज अस्पताल में 10 बेड का विशेष वार्ड बनकर तैयार है। सदर अस्पताल और मायागंज में बने कोरोना वायरस वार्ड की क्या है हकीकत, आइए हम आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दहशत फैला हुआ है। वहीं भारत में भी भारत सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर के कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। बिहार में 31 मार्च तक सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और जो सिनेमा हॉल है उसे बंद करने का आदेश दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के सदर अस्पताल में। जो स्वास्थ्य महकमा है बिहार सरकार का, वह भी कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए किस तरह से बैनर लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है। भागलपुर के सदर अस्पताल नशा मुक्ति केंद्र में कोरोना वायरस के जो मरीज आएंगे उनके इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। जो यहाँ का नशा मुक्ति केंद्र है उसमें 8 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कि हालांकि जब यह आइसोलेशन वार्ड बनाया गया तो इसमें काफ़ी कमी देखी गई थी। जब सिल्क TV की टीम यहाँ पहुंची थी शनिवार रविवार को, तो जो छत था यहाँ आइसोलेशन वार्ड का उससे पानी टपक रही थी और जो काफ़ी कमियाँ थी। उसके बाद सिविल सर्जन ने इस नशा मुक्ति केंद्र का जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था उसका निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने खुद देखा कि किस तरीके से बारिश जब रविवार को हो रही थी तो उसमें पानी टपक रहा था। आप देख सकते हैं अभी भी इस तरीके से जर्जर छत है और इसी रूम, इसी
कैमरे में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जब सिविल सर्जन ने इसका निरीक्षण किया तो उसके बाद इसमें काफी कमी देखने को मिली। उसके बाद सिविल सर्जन ने इस कमरे से आइसोलेशन वार्ड को हटा के दूसरे रूम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के अधिकारियों को। स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर आप बताइए किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ जो बाहर से जो मरीज अगर संभावित मरीज आएंगे तो उनको टेम्परेचर नापने के लिए इंफ्रारेड मशीन लाया गया है और किट लाया गया है जो कि पूरा उसको आइसोलेटेड किया जाएगा, माउथ का ग्लव्स भी लाया गया, हाथ का भी और सारा सारा व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो सदर अस्पताल है भागलपुर का, उसमें कोरोना वायरस के जो मरीज आएंगे उनके इलाज के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भी कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग हैं उसकी जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, कोरोना वायरस के जो मरीज है उसका उनका इलाज नहीं होगा। आइसोलेशन वार्ड में क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, यह तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही जो कोरोना वायरस को लेकर के जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, कई जगह पे जागरूकता अभियान भी चल रहा है, इसको लेकर के कोरोना वायरस क्यों फैलता है, कैसे संक्रमण होता है, इसके लिए बैनर भी यहाँ पर देखें कि कुछ पोस्टर वगैरह चिपकाया गया है। कोरोना वायरस क्या है, उसके लक्षण क्या है, क्यों फैलता है, कैसे इससे बचाव हो सकता है, इसको लेकर के भागलपुर के मायागंज अस्पताल में जो है तो लगाया गया यहाँ पर बैनर। और देख सकते हैं कि मायागंज अस्पताल जो है इसमें 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अभी तक की हालांकि आइसोलेशन वार्ड में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। हालांकि अब से कुछ देर पहले इटली के एक मरीज आए थे, उनकी जांच की गई है, जांच प्रक्रिया उनकी चल रही है। इटली में वो छात्र पढ़ाई करता था जिसकी जाँच के लिए वो यहाँ आए और यहाँ पर जो है तो उसकी जाँच की गई है। अब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या मामला है, क्या उसको कोरोना है या नहीं है, वो कोरोना से पीड़ित है या नहीं है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद नामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्यूल में रूट रिले इंटरलॉकिंग का काम चलने के कारण एक बार फिर से मालदा से भागलपुर होकर गुजरने वाली फरक्का एक्सप्रेस 3 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है, जिस कारण दिल्ली एवं मालदा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। इससे पूर्व कोहरे के कारण 2 माह से अधिक समय तक फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया गया था। मंगलवार एवं बुधवार को भागलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है और यह ट्रेन निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से खुलेगी। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं साहेबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन 19 मार्च से 2 अप्रैल तक रद्द रहेगा। मुजफ्फरपुर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस 18 मार्च से 2 अप्रैल तक एवं अजमेर एक्सप्रेस 19 मार्च से 2 अप्रैल तक रद्द रहेगी। मालदा टाउन आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस 21 एवं 28 मार्च को रद्द रहेगी। इसके अलावा भी भागलपुर से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। भागलपुर में बाइक चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मिनटों में चोर बाइक को उड़ा लेते हैं। ताजा मामला जोक्सर थाना क्षेत्र के मसादचक रोड का है, जहां नयन नामक युवक अपनी बाइक को डॉक्टर राजीव सिन्हा की क्लिनिक के बाहर लगाकर अंदर गया, जिसके बाद कुछ ही देर में गाड़ी क्लिनिक के बाहर से चोरी हो गई। हालांकि चोरी की पूरी घटना क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह बाइक चोर पहले गाड़ी के आसपास घूमता है, फिर मौका देखकर गाड़ी पर बैठ जाता है, उसके बाद मास्टर चाबी से गाड़ी का लॉक खोलकर मोटरसाइकिल लेकर दिन दहाड़े फरार हो जाता है। पीड़ित ने घटना की सूचना जोक्सर पुलिस को दे दी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी है। मैं डॉक्टर राजीव सिन्हा सर के यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं डेली की तरह बाइक लगा के काम कर रहा था और काम करने के दरमियान में बारिश हो रही थी। उस टाइम हम अंदर में काम कर रहे थे, अज्ञात चोर आए और बाइक चुरा कर ले चले गए, जिसका मैं आवेदन आदमपुर थाना में दे चुका हूँ। पता कैसे चला? पता चला जब बाइक का ज़रूरत पड़ा तो बाहर निकल के देखे तो मेरा बाइक नहीं था, तब हम तुरंत सीसीटीवी कैमरे में देखने लगे, वहाँ पे चोर का वीडियो भी मेरे पास है। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, इटली से आए युवक की मायागंज अस्पताल में हुई जांच। सिल्क टीवी की खबर का फिर हुआ असर, मृत स्वरों की मौत मामले में निगम प्रशासन ने लिया संज्ञान, संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाया अभियान।
अपराध की घटना को अंजाम देने पहुंचे चार अपराधी गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद, ग्रामीणों में आक्रोश, जांच में जुटी पुलिस। महिलाओं में होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर आईएमए हॉल में हुआ सेमिनार, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दिए सुझाव। और पिछले दिनों जगदीशपुर के भड़ोकर गांव में हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक, आपसी भाईचारा बनाए रखने की कही बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।